शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो हेलो आरती जी। जी जी मैं सिद्धार्थ राव बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं प्रिया का नंबर कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप मुझे बता सकती हैं कि आज उसके केस में कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? कोर्ट क्या फैसला सुनाती मिस्टर राव, प्रिया ने तो अपना फैसला खुद ही कर दिया। मतलब? मतलब ये कि प्रिया ने अपना केस वापस ले लिया है। मतलब आई मीन बट व्हाई? ये आप पूछ रहे मिस्टर राव कि प्रिया अपने माँ को खोना नहीं चाहती थी इसलिए उसने अपना केस वापस लिया है। लेकिन ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? आपको तो सब कुछ पहले से ही पता होगा। आखिर आप उस कमीने देवांग के जीजा जो है, चलिए लेट्स गो। छोटी छोटी आंखें खोलो बेटा, आज तुम्हारी तपस्या रंग लाई। इस खुशी को पाने के लिए तुमने इतना इंतजार किया और वो खुशी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी, वो खुशी तुम्हें गले लगाने को बेताब है। बेटा जाग जाओ, जरा आंखें खोल के तो देखो, अंबर वापस आ गया है, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। और जानती है अंबर रोटी को एंजल एंजल कहते हुए थक नहीं रहा है, वो उसे अपनी गोदी में बिठाकर कैसे प्यार कर रहा है। आंखें खोलो छोटी, तू तो मेरा कितना ख्याल रखती थी और आज इतनी सी बात नहीं सुन रही है मेरी। छोटी कहां तो तुम अपनी बेटी को जरा सा भी उदास नहीं देख सकती थी, आज देख तेरे बिना उसकी क्या हालत हो गई है। तू जाग जा छोटी, अपनी मम्मी जी की बात मान ले, आंखें खोल। नियति कैसी है? अंबर जानता है मैंने ना नियति से कुछ बात की ना तो उसने रिएक्ट किया और अपने हाथ की उंगलियां एक बार नहीं तीन बार हिलाई। अंबर मुझे पूरा विश्वास है नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल जल्दी से डॉक्टर को बुला के आ। हाँ मां अभी डॉक्टर को बुला के। हाँ देवयानी, आज बड़े सालों के बाद तुमने मुझे एक सच्ची खुशखबरी दी, ये कहकर कि हमारी छोटी की तबीयत सुधर रही। अब ये मानना ही होगा कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन मैं तो तब मानूंगी जब मेरी बेटी मुझसे बात करेगी, पहले की तरह हंसेगी मुस्कुराएगी और अपने पति और बच्ची के साथ सुखी जीवन बिताएगी, तब जाके मैं मानूंगी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भारती बहन ऐसा जरूर होगा, हमारी नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
कंग्रेचुलेशंस, मिसेस नियति अब खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें लंबे आराम की जरूरत है, सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हर, ओके? एक्सक्यूज मी। छुट्टी नहीं लेती रहो बेटा, सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, लेती रहो। देखा नियति, पापा ने आकर हमारी सुनी ली, अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। बेटा अब तो ये आंसू निकालना बंद करो, आज से तुम हमारी फिर से पुराने वाली चैंपियन बहू हो, मेरी चैंपियन बहू। अच्छा सुन तो, देख सरा कौन आया है। मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। याद है नियति, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, तो वो वादा मैं अब पूरा करने वाला हूं। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें हमारी बेटी फ्रूटी के साथ। तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा नियति। ये तुम ही हो ना अंबर, मैं सपना देख रही हूँ। तुम बताओ सच है या सपना? सपने जैसा सच। हे बाबा, अगर ये सपना है तो मुझे इस नींद से कभी मत जगाना। ये सच है अंबर। नीति ये सब बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम उस खाई में कैसे गिरी थी। मैं नहीं गिरी थी उस खाई में, नताशा ने मुझे धक्का दिया था। Thank you.
वो नियति जी, वो अगर होश में आ गई तो सिर्फ को सबसे पहले यही बताएंगी कि उनका एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या सिर ने कुछ कहा? नहीं माँ, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर बोलो ना, बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? आपको बता भी दूंगी तो आप क्या कर लेंगी माँ? जब सिड का मुझ पर से विश्वास ही उठ गया है तो मैं खुद भी क्या कर सकती हूँ? फिर तो सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम कि मैं करूं तो क्या करूं? नताशा मत परेशान, क्या हाल कर दिया है उस दो कौड़े की नियति शास्त्री ने मेरी बेटी का। ऐसे तो ये सोच सोच कर पागल हो जाएगी। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। वैसे देखा जाए तो बात बड़ी अनसाइंटिफिक सी है, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। देखिए, हमारी मशीनें तो इन्हें होश में लाने के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, लेकिन शायद आप कर पाए। मैं? हाँ आप इनके पति हैं ना, एक बार इन्हें पुकारिए, बड़े ही प्यार और शिद्दत से इनका नाम लीजिए। Who knows, शायद कोई मिरेकल हो जाए। नियति, आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारा अंबर। नियति, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। नियति, आंखें खोलो। नियति, नेहती को होश आ गया। थैंक यू नेहती, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये तो चमत्कार ही हो गया। सब लोग बाहर जाइए। नर्स प्लीज कम फास्ट।
है अपने डॉक्टर? ये तो होश में आ गई थी ना? हाँ, लेकिन फिर से बेहोश हो गई है। She is very serious. इनके कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स करवाए हैं, वो आ जाए तो पता चले क्या बात है। लेकिन इनकी टेस्ट रिपोर्ट तो आ गई है, जरा देखिए। मेरा शक सही निकला। क्या डॉक्टर? तुम यहीं रुको और पेशेंट को ऑब्जर्व करो, जैसे ही इन्हें होश आता है इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, नियति को होश आया था फिर वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमने अपने पेशेंट के कुछ टेस्ट किए थे जिनकी रिपोर्ट्स आ गई है, उनके मुताबिक ये केस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना हम समझ रहे थे। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी दुआ कीजिए। आप मेरे साथ आइए। जी। ये ठीक नहीं है पापा, बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी ना जीने भरा उसे दुख देकर। इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं मिस्टर राव। जिस तरह का एक्सीडेंट मिसेज नियति के साथ हुआ है और उसके बाद भी वो जिंदा है, इट्स अ मिरेकल। लगता है बहुत लोगों की दुआ उनकी रक्षा कर रही है। उनकी स्कैन की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी सर की चोट का असर उनके दिमाग के एक हिस्से में भी हो गया है, जिनकी वजह से वो ट्रीटमेंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हैं। उनकी सेंसेस वर्क कर रही हैं, उनके आसपास जो हो रहा है वो सुन रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर, उन्हें ठीक होने के लिए कितना समय लगे? ये तो पूरी तरह से उनके आसपास के लोग पे डिपेंड करता है। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब हम उन्हें घर ले जा सकते? जी हाँ। लेकिन आपने कहा था कि... देखिए, उनकी सर की चोट के लिए जो हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो आप उनको घर पे भी दे सकते हैं। ये लीजिए कुछ दवाइयों का असर, कुछ अपनों का अपनापन और प्यार से वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। I can assure you, doctor, हम उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं करेंगे। I believe you, Mr. Rao. जिस हालत में आप उनको हॉस्पिटल में लेकर आए थे और जिस तरह से आप उनके साथ कंसर्न है, मुझे यकीन है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आप चाहें तो मैं हॉस्पिटल की तरफ से उनके लिए एक नर्स प्रोवाइड कर देती हूँ। डॉक्टर, that would be of great help. Thank you so much. Okay, एक बात का ध्यान रखिएगा, उन्हें कोई भी स्ट्रेस या टेंशन ना होने पाए। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। आई प्रॉमिस यू डॉक्टर, डोंट वरी।